हेलो एवरीवन, आज जो बात करें इस वीडियो में वो रहे 10 मिनट में खीर मिलाईदार कैसे तैयार हो। अगर मेहमान आ गए अचानक और मीठा आपके पास कोई मिठाई नहीं है और खीर बनानी है, 10 मिनट में कैसे तैयार हो जाए। या सुबह नाश्ते में बनानी है, फटाफट 10 मिनट में खीर तैयार करनी है, वो भी अच्छी हो, ड्राई फ्रूट डले हो, मिलाईदार हो, रबड़ीदार खीर कैसे तैयार करें वो इस वीडियो में बताया है। सबसे पहले दिमाग में आया कि खीर बनानी है तो सबसे पहले चावल मिलेगी। राइस को क्या करेंगे, एक चार कटोरी खीर बना रहे तो एक चम्मच चावल लिए, इनको सबसे पहले धो लेंगे। धोने के बाद थोड़ा पानी डाल के एक तरफ रख देंगे, फिर दूसरे अरेंजमेंट करेंगे जैसे दूध, ड्राई फ्रूट वगैरह की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि चावल जो होते हैं ना, थोड़े से अगर पानी में डले रहेंगे जब तक और व्यवस्था करेंगे तब तक थोड़े से गल से जाएंगे। अब ये सब धो लिए हैं चावल, चार ही कटोरी खीर बना रहे, ज़्यादा नहीं बना रहे तो इतने चावल पर्याप्त होंगे। अब कुकर में बनाएंगे, चावल हमेशा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दूध को छोड़ते हैं, इसलिए कुकर में जब बनाएंगे तो अब इसमें कुकर में चावल डाल देंगे, एक गिलास दूध डाल देंगे, आधा कप पानी डालेंगे। बड़ा कुकर लेंगे क्योंकि दूध ऊपर बार बार आएगा तो बार बार सीटी में से निकलेगा। और ड्राई फ्रूट डाल देंगे कटी हुई, जैसे चार कटोरी है तो थोड़े से बादाम, काजू, कटी हुई करी सूखी वाली वो डाल के इसमें पकाएंगे। क्या साथ में पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएंगे, ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पक जाएंगे, किशमिश बाद में डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसको पहले तेज़ आंच पर रखेंगे जिससे कि उसमें भाप बन जाए, उसके बाद कम कर देंगे और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे कुकर को, थोड़ा मूव कर देंगे जिससे कि दूध ऊपर आ रहा होगा तो वो नीचे जाएगा तो आराम से फिर ये उफरेगा नहीं, इस तरह मूव कर देंगे। साथ में दूध उबाल लेंगे एक तरफ रखते हुए, एक गिलास और दूध लगेगा। और लिखा है जी सूखी यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर मिलता है, 10 रुपये का एक पैकेट है, तो चार कटोरी के लिए ठीक है क्योंकि एक पैकेट में एक गिलास दूध बन सकता है। तो ये जो पैकेट लिया है, एक गिलास दूध को अपन रबड़ी बनाएंगे, उतना ही है ये, समझ लो एक गिलास दूध को अपन ने रबड़ी बना ली है। अब इसको थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए अच्छे से मिला लेंगे तो ये रबड़ी का टेस्ट देगा और जब खीर बनेगी तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनेगी। अब ये कुकर में चावल पक गए हैं, थोड़ी 10 मिनट या 5 मिनट पकाएंगे तो आराम से पक जाते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल हलवा नहीं हुए, दरदरे हुए हैं, इसमें एक गिलास दूध और डाल देंगे और जो अपना ड्राई मिल्क पाउडर है उसको भी फेंट लिया, उसको भी डाल देंगे, जिससे क्या होगा दूध को ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और साथ में अपन ने दूध बगल में उबाल ही लिया था तो यानी आपका पूरा टाइम बच गया और रबड़ी जैसा टेस्ट भी आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और ये भी उसमें खीर में ऐड कर देंगे। अब देखिए ये डाल दिया, अब इसको कुकर को फिर से गैस पर रखेंगे, गैस पर रखेंगे। अब देखिए दाने कितने अच्छे, मतलब चावल बिल्कुल पक भी गए और हलवे भी नहीं हुए, दाने दाने से चावल हैं। अब इसको गैस पर रख देंगे और एक उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे किशमिश। अब देखिए ये कुकर का किनारा देखिए कितनी रबड़ी जैसी खीर है कि दूध एकदम जम रहा है बगल में, इतनी अच्छी रबड़ी की खीर तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे किशमिश और किशमिश डालने के बाद डालेंगे शक्कर। शक्कर अपने स्वाद अनुसार ही डालें क्योंकि किसी को बहुत कम शक्कर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को बहुत ज़्यादा की, तो जो घर में लेते हैं कम ज़्यादा उसके हिसाब से शक्कर को डालेंगे और इस तरह आपकी खीर रबड़ी वाली बहुत ही तैयार हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा ठंडी ठंडी खीर रखेंगे तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और वो एकदम रबड़ी जो होती है ना ठंडी रबड़ी उस टाइप से दिखेगी। देखिए आप कितनी अच्छी रबड़ी जैसी खीर 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। इसलिए आप जब भी लगे कि आप खीर बनाना है तो सबसे पहले चावल को गला दे तो उससे अच्छा आएगी, इस तरह अच्छी सी बन जाएगी। देखिए बन गई रबड़ी वाली खीर और आप बनाइए, 10 मिनट में आप खीर तैयार हो जाएगी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।